नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टफ के शाम वाले एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना मत भूलना। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 2700 का। लाइक टारगेट तो आज पूरा होना ही चाहिए। और अब टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस आज की न्यूज़ शुरू करते हैं ओप्पो के साथ। ओप्पो ने फाइनली अपने रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया और इसके साथ अपने प्रीमियम TWS को भी लॉन्च किया। इनका नाम है ओप्पो एनको एक्स। ओप्पो एनको एक्स के बारे में कुछ सरप्राइज आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम बात करें यार रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन की इंडियन प्राइसिंग रखी गई है 35,990 रुपीज, दैट इज 36,000 रुपीज। चाइनीज प्राइसिंग स्मार्टफोन की है 38,000 अगर आप कन्वर्ट करो इंडियन प्राइसिंग में। GST VST यहां पे मेरे को लग रहा है कि ओप्पो को नहीं लगा। और रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है मेरे को बहुत अच्छी लगी। Reno 4 Pro की प्राइसिंग थी 35,000 रुपीस। सो सक्सेसर 1,000 रुपए महंगे में इंडिया में लॉन्च किया गया और इंडिया का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें MediaTek का Dimensity 1000 Plus प्रोसेसर मिलता है। Enco X की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 9990, दैट इज 10,000 रुपए से 10 रुपए कम। सो यस, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आपने Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन की मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो को चेकआउट नहीं किया, कर लेना चाहिए था, बट स्टिल कार्ड सेक्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस मोटोरोला की बात करना चाहूंगा मैं, तो मोटोरोला की कैप्री मैंने आपको बताया था ना जल्दी लॉन्च होने वाली है, मोटोरोला कैप्री प्लस। अब मोटोरोला कैप्री प्लस जो स्मार्टफोन है इसका नाम फाइनली कंफर्म हो चुका है। जी हां, कैप्री प्लस तो डब्बे पे लिखा नहीं होगा ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमने फोन खरीदा कि कैप्री खरीदी है। तो मोटोरोला कैप्री प्लस स्मार्टफोन का ऑफिशियल मार्केटिंग नेम होगा मोटोरोला G30। जी हां, ये एक बिल्कुल ही नया सा मॉनिकर है और थाईलैंड की NBDC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज ये स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुका है। दैट मींस मोटोरोला G30 is going to be the Motorola Capri Plus. अब जो कैप्री होगा वो जी क्या होगा ये देखते हैं, आने वाले कुछ टाइम पे पता चल जाएगा। बट जल्दी ही मार्केट में आपको ये कैप्री सीरीज जो है ये भी देखने को मिलने वाली है। और गाइस आगे बात करते हैं सैमसंग की, तो कुछ महंगी वाली न्यूज की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन है ना, मैं आपको दिखाता हूं ऐसा दिखता है ये स्मार्टफोन, ये देख रहे हो है? फ्लेक्स करने का मौका मैं कभी भी नहीं छोड़ता। तो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन ना इनिशियली जब लॉन्च हुआ था इसमें दिसंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज है। जनवरी का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है ऑफिशियली इंडियन वेरियंट ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। मैंने भी इसको अपडेट कर दिया है, स्टेबल बिल्ड है, कोई प्रॉब्लम बग्स वगैरह नहीं है। प्री बुक अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, जाके आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। बहुत ही महंगा सा किडनी बेचू काइंड ऑफ स्मार्टफोन है, बट अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यार रेगुलर अपडेट्स जो है एटलीस्ट इस स्मार्टफोन में फिलहाल तक के लिए तो मिल रहे हैं। और गाइस बात करते हैं कुछ घड़ियों की, कुछ स्मार्ट घड़ियों की। तो Amazfit एक ऐसा ब्रांड है जो ऑफकोर्स हमेशा मतलब टेक स्टफ का पार्ट बना रहा है जब भी हम स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं। तो Amazfit ने दो नई घड़ी इंडिया में लॉन्च कर दी है, इनका नाम है Amazfit GTR2E और Amazfit GTS2E। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, R का मतलब होता है Amazfit की भाषा में राउंड और S का मतलब होता है स्क्वेयर। तो ये जो है ना मतलब क्या होता है जो गोला या स्क्वेयर, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दीज टू स्मार्ट वॉचेस आर मोर और लेस द सेम और प्राइस भी बिल्कुल सेम है 9,999 रुपए, दैट इज 9,999 रुपीज में Amazfit की GTR2E और GTS2E जो घड़ियां हैं इंडिया में लॉन्च हो चुकी हैं। और ऑफ कोर्स Amazfit का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है एटलीस्ट मेरे साथ, मेरे को पता है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं अच्छे खासे होते हैं। सो यस, अगर आप 10,000 की रेंज में एक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं, आप Amazfit ने आपको दो नए ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं। और गाइस बात करते हैं कुछ गेमिंग स्मार्टफोन्स की, तो Asus जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपने ROG फोन 4 या ROG फोन 5 को। अगर आपको याद हो मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं कि यार जरूरी नहीं कि इसका नाम ROG फोन 4 हो, याद है आपको, याद है? तो ROG फोन 4 भी हो सकता था और ROG फोन 5 भी इसका नाम हो सकता था। 6000mAh बैटरा, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग, ये दो चीजें तो ऑफिशियली आप लेके चलो कंफर्म हो चुकी है। बट आज ROG फोन 5 की, जी हां ROG फोन 5 की पहली फर्स्ट एवर एलिजेड लाइव शॉट लीक हो चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखेगा ROG फोन 5। पीछे की तरफ तीन कैमरास होंगे, 64 मेगापिक्सल का होगा प्राइमरी कैमरा, बाकी दो कैमरास के रेजोल्यूशन के बारे में अभी तो नहीं पता, बट जैसे ही पता चलेगा आपको वो भी मैं बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो 5 एक डिजिट मेंशन है पीछे की तरफ, दैट मींस क्लियरली इसका नाम ROG फोन 5 हो सकता है। और इसके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे एक लाल रंग का आपको अजीबोगरीब सा बटन भी देखने को मिलेगा। सो यस, दिस इज व्हाट द ROG फोन 5 इज गोइंग टू लुक लाइक। आपको डिजाइन कैसा लगा, वैसे कैसा लगा आपको ROG 5 का, रोग 5 का डिजाइन, कमेंट सेक्शन में आप पक्का से हम अरे हाँ भाई हाँ में बता सकते हैं।
और गाइस मीडियाटेक 20th ऑफ जनवरी को अनाउंस करने वाला है अपने अपकमिंग डायमेंसिटी प्रोसेसर्स, और एक प्रोसेसर का नाम होगा डायमेंसिटी 1200 या डायमेंसिटी 1200। ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, मतलब लीक वगैरह के थ्रू हमें पता चल चुका है कि डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर हमें 20th जनवरी को मिलने वाला है। बट आज श्री डिजिटल चैट स्टेशन जी, जिन्होंने वैसे डायमेंसिटी 1200 को भी लीक किया था, वो क्लेम कर रहे हैं कि यार डायमेंसिटी का 1100 प्रोसेसर भी आएगा। मतलब 1100-1200 ये दो अलग अलग चिपसेट जो है 20th जनवरी को अनवेल होने वाले हैं, और जो 1100 वाला प्रोसेसर होगा ना, ये थोड़ा सा स्लाइटली टोन डाउन होगा, मतलब क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम होगी। 160 हर्ट्ज प्लस की रिफ्रेश रेट जो सपोर्ट कर रहा था ना डायमेंसिटी 1200, यहां पे थोड़ी सी कम लगा के चलो, 144 हर्ट्ज प्लस की आपको रिफ्रेश रेट की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और उसके अलावा 108 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा का सपोर्ट है वो आपको इस प्रोसेसर में भी देखने को मिलने वाला है। और यस, ये दोनों के दोनों प्रोसेसर और इनके थ्रू जो पावर्ड स्मार्टफोन्स होंगे अब जल्दी ही इंडिया में भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस सुबह के टेक्स्ट अप में मैंने आपको बताया था कि Redmi K40 जो स्मार्टफोन होगा ये एक स्टैंड अलोन स्मार्टफोन नहीं होगा। रूमर्स की अगर हम माने तो Redmi K40 के अलग अलग वेरिएंट्स हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अभी लीक्स वगैरह ये भी कह रहे हैं कि Redmi K40 का एक Dimensity 1200 प्रोसेसर वाला वेरियंट भी लॉन्च होगा। Yuan 2200 के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी। और आज तो यार Redmi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, थॉमस जो Redmi के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कुछ टाइम पहले वीवो पे पोस्ट करके बोला कि Redmi K40 जो स्मार्टफोन होगा ये इकलौता स्मार्टफोन नहीं होगा जिसमें Qualcomm का Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा। मतलब Redmi K40 अल्ट्रा, Redmi K40 Pro, Redmi K40, ये तीन स्मार्टफोन्स तो थे, बट अब ये भी लग रहा है कि Redmi K40 Zoom Edition, जो कि Redmi K30 की बारी भी हुआ था, Redmi K40 Zoom Edition भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रोसेसर सेम होगा Snapdragon 888, बट हो सकता है हमें यहाँ पे ज्यादा जूमिंग कैपेबिलिटी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए। अब यार ये जो स्मार्टफोन्स है ना, इनके इंडिया में भी आने के बस दिन आते जा रहे हैं, तो आपको जल्दी ही मैं इंडियन लॉन्च Redmi K40 सीरीज की है, इसका जो भी नाम होने वाला है वो भी लीक करके बताने वाला। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही अच्छी अच्छी लीक्स के लिए, बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स के लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए, और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, घंटा है, उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं Realme के साथ। Realme X7 सीरीज तो अब जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, बट Realme V15 जो स्मार्टफोन है वो भी इंडियन मार्केट में अब हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि Realme V15 स्मार्टफोन का एक मॉडल नंबर इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हुआ था। इसका मॉडल नंबर था RMX3092। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुकी है कि RMX3093 जो मॉडल नंबर है ये भी बहुत टाइम से BIS वगैरह हर जगह पे फैल फूल के मतलब बैठा हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि यार ये कोई और स्मार्टफोन होगा, बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर, ये जो RMX3093 मॉडल नंबर है ये Realme V15 ही है, और इंडिया में हमें Realme V15 स्मार्टफोन भी अब जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि यार क्या आपने पोको की एक्सक्लूसिव लीक वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी। 60% लोगों ने देख ली है, 40% लोगों ने नहीं देखी, तो जितनों ने देखी है उनको कुछ अच्छा ही मिला होगा, जिन्होंने नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा, जितने लोग देखना चाहते हैं देखिए वीडियोस, हमारा काम है आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड करना। और गाइस आज की वीडियो का बहुत सिंपल सा है, Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी लगी। अगर यार यूजली हम ओवर प्राइस वगैरह के बारे में बातें करते हैं ना, मतलब ट्विटर पे, तो ये स्मार्टफोन तो अंडर प्राइस्ड है, बट स्टिल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यार Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है इंडियन वाली आपको कैसी लगी, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं कल के फाइंड स्टफ विन स्टफ के विनर का नाम। तो कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, आप जीत चुके हैं कल का फाइंड स्टफ विन स्टफ। जल्दी से 24 घंटे के बीच में मेरे को DM कीजिए, सो दैट आपका जो प्राइज है मैं आपको भेज पाऊं। और आज की वीडियो में भी कहीं ना कहीं तो है एक ऐसा क्लू, तो आप ढूंढेंगे तो आप कुछ स्टफ जीतेंगे। फाइंड दैट स्टफ विन सम स्टफ। सो गाइस ये थी आज की शाम की टेक स्टफ, आज की ये तीसरी वीडियो थी। आई होप आपने तीनों वीडियोस को एंजॉय किया होगा। वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और ताजा तरीन टेक स्टफ के एपिसोड के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, घर वालों के साथ प्यार से रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। ओरिजिनली सैमसंग ने लेवल घड़ियां जो है इंडिया में
जेस्ट ये एक टाइम में वीडियो बन गया ना।